हेलो, हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स हैं फिलीपींस में, और हमारे साथ एक घटना हुई है कि हम लोगों को कल ये बताया गया कि 72 आवर्स में फिलीपींस लॉकडाउन होने वाला है, और उसके बाद हम लोगों ने टिकट्स अपनी अपनी बुक करी, और हमने एयर एशिया की बुक करी है सब लोगों ने टिकट, जितने भी लोग हैं। और उसके बाद हमें आज दोपहर को पता पड़ता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमें इंडिया आने से मना कर दिया है, फिलीपींस के जो इंडियन सिटीजन से फिलीपींस में, उन्हें फिलीपींस आने से मना कर दिया है, और उसके वाया मलेशिया एयर एशिया की फ्लाइट से। उसके बाद हम लोग यहाँ से एयर एशिया के काउंटर पे आए हैं, एयरपोर्ट आए हैं, और यहाँ जब हमने बात करी इन लोगों, तो इन लोगों ने हमें अलाउ कर दिया, इन्होंने कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और इन्होंने हमें इनफैक्ट बोर्डिंग पासेस दिए हैं, सबको बोर्डिंग पासेस है सबके पास, इन्होंने बोर्डिंग पासेस दिए। हम लोग इमिग्रेशन से गुजरे हैं और हम लोग जाके बोर्डिंग के लिए गेट पे बैठे हुए हैं, और जस्ट बोर्डिंग के टाइम पे ये लोग हमारे पास आते हैं और हम लोगों से कहते हैं कि आपकी बोर्डिंग नहीं हो सकती है क्योंकि आपकी फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। जब हमने इन लोगों से पूछा कि कैंसिल क्यों कर दी गई है, तो इन लोगों ने ये बोला, सिर्फ इंडियन जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों को, कि मलेशियन गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं कर रही है आने से। और हमने जब इनसे पूछा कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है इस चीज़ की, तो इन्होंने हमें दिखाने से मना कर दिया। दिखाने से क्या मना कर दिया, इन लोगों ने हमसे ढंग से बात नहीं करी, हमें चीज़ें बताई नहीं ढंग से, कुछ भी ढंग से नहीं बताया, और जस्ट इन्होंने हमको कहा कि वापस चलो। हमने कहा कि हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग हमसे ढंग से बात नहीं कर रहे, तो कहते हैं पुलिस बुला लेंगे यहाँ पे अगर आपने फ़ोन बाहर निकाला तो। और इंडियन गवर्नमेंट जो है, हमारे दोस्त कुछ मलेशिया में फंसे हुए थे, उनके लिए फ़्लाइट अरेंज कर दी गई है, ये एक खबर आई है, और हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। या काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं फिलीपींस में जो कि यहाँ फंसे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, और कल के बाद यहाँ लॉकडाउन होने वाला है, जिसके बाद फ़्लाइट्स नहीं है, तो कोई जा भी नहीं सकता। और हमें मतलब अश्योर करा गया कुछ, मतलब हम गवर्नमेंट से हमारी वो है गुजारिश है कि लाइक हमारे लिए कुछ करें, हम लोगों को वापस बुलाएं, और जो कुछ हो सकता है गवर्नमेंट हमारे लिए करे, और जैसे हमारे मलेशिया में फंसे हुए दोस्त हैं उसी तरह हमारे लिए भी फ़्लाइट अरेंज करे, और हमें यहाँ से कैसे ना कैसे करके निकालें, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत डरे हुए हैं। यहाँ 6 महीने के लिए फिलीपींस को स्टेट ऑफ कैलामिटी भी घोषित कर चुके हैं ये लोग, और हो सकता है कि ये 6 महीने तक ये लॉकडाउन ना हटे, तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा कि प्लीज़ 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 हमारी हेल्प करें और हमें यहाँ से निकालें, और एटलीस्ट हमें इंफॉर्मेशन सारी टाइम पे दें, 5 घंटे पहले तो ना दें कि आप फ्लाई नहीं कर सकते हो यहाँ से, एक घंटे पहले काफ़ी लोगों को 2 घंटे पहले इंफॉर्मेशन मिली है, सारे इमिग्रेशन का पैसा भी वापस, पैसे वेस्ट हुए, और इमिग्रेशन पे टाइम वेस्ट हुआ हम लोगों का, इमिग्रेशन पे पैसा वेस्ट हुआ, उसके बाद हमें ये बोला जा रहा है कि आप लोग जा नहीं सकते हैं और रिफंड का भी कुछ है ही नहीं, तो प्लीज़ गवर्नमेंट हमें यहाँ से हेल्प करे, हमारी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करे, एम्बेसी भी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करे और यहाँ से निकाले। यही सब लोग कहना चाहते हैं कि जितने लोग यहाँ हैं प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, और अभी हमें जाने के लिए हमारे पास कैब भी नहीं है क्योंकि यहाँ कैब बंद है, और रात के इस समय 1 बज रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, हम लोग जाएंगे कैसे, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए इस चीज़ में, थैंक यू। हम कैमरा घुमा कर पा जाएगा।